यार भाई मेरे वीडियो में गलत कमेंट मत कीजिए यार। अरे भाई भाई समझ के बोल रहा हूँ यार। ये कमेंट करके बोलते हैं कि मन नहीं था। सारी बात है यार, मेरा मन नहीं था वीडियो बनाने को उस दिन। बैठ जा। वेलकम बैक टू चैनल इरवान। आई होप यू गाइस डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। आज आप देख रहे हैं, आज मैं भाई को बाहर निकाल रहा हूँ घुमाने के लिए। मौसम बहुत अच्छा था, अब सच में बोलूँ यहाँ पे मुझे मच्छर बहुत काट रहा है, माही को नहीं काट रहा। तो आज मैं माही के साथ बैठा हूँ बाहर घूमने के लिए। माही और मैं दोनों में चप्पल पल खोल के आराम से बैठता हूँ यहाँ पे और कुछ डिस्कस करते हैं हम लोग। क्या डिस्कस करना है आप हम थंबनेल में देख चुके हैं। कुछ कमेंट ऐसे आते हैं जो बहुत अच्छा लगता है पढ़ने में और सुनने में, और कुछ कमेंट ऐसे आता है डिमोटिवेट हो सकते हैं आप, लेकिन मैं नहीं होता हूँ, अच्छा लगता है मुझे ये सब कमेंट। तो वही सब कमेंट के बारे में आज कुछ बात कर रहे जाए। बहुत सारे ऐसे कमेंट भी आए मुझे जो मैं आप लोगों को दिखा नहीं सकता, बहुत मतलब इतना ख़राब कमेंट है। माही शांत रहे, वो सामने एक तो छोटा सा कुत्ता है उसको देख के माही टारगेट लगा रहे। मैं यहाँ से निकलता हूँ, चल माही दूसरा जगह चल। आ माही घूम के आ, वहाँ नहीं यहाँ, यहाँ रोड मस्त खाली खाली है। सो इट्स 3 PM एंड तो जहाँ पर हम लोग थे वो कुत्ता वो आ गया वहाँ पे। अब माही को देखो कैसे हो रही है। चल माही वहाँ नहीं जा, आ घूम के आ, घूम के आ, घूम के आ। हाँ तो 3 बज रहा है और मैं माही निकले घूमने में, खाना वाना खा लेता मस्त। थोड़ा सा लेटता हूँ, तो कल क्या हुआ था, खाना खा के से लेटा मैं, वैसे नींद आई है और मैं सो गया। मतलब दिन एक बेकार हो गया। अब मुझे ऐसे दिन जब बेकार चले जाते हैं ना सो के, मुझे अच्छा नहीं लगता है। हाँ कुछ करो, टाइम पास करो, कुछ बोर भी हो चलेगा, लेकिन सो के, क्योंकि रात को हम लोग सोते ही हैं, दिन को सोने की क्या ज़रूरत। अरे यार मच्छर गाल में ही काट रहा है। तो पहला कमेंट अपने ही दोस्त से शुरुआत करता हूँ, जयप्रकाश जो मेरा दोस्त है, बहुत अच्छा मेरे साथ कॉलेज पढ़ता है, हर वीडियो में कमेंट करता है, तू हीरो है भाई, आप लोग देख सकते हैं। तो अच्छा लगता है यार कोई दोस्त ऐसे मोटिवेट कर देता है, हीरो और वे सब अच्छे टैलेंटेड सब लिख के, अच्छा लगता है। तो जयप्रकाश को बोल रहा हूँ थैंक यू कमेंट करते रहने के लिए, और ऐसे ही करते रहना, मोटिवेट हो जाता हूँ। तो माही घर के अंदर है और आगे का वीडियो यहीं पर कंटिन्यू करता हूँ। सेकेंड कमेंट, स्मूथ नहीं है भाई, विश्वजीत घोष। तो ये पल्सर के ऊपर कमेंट था, जो पल्सर बाइक का जो वीडियो बनाया था उस पर कमेंट था कि बाइक स्मूथ नहीं है। नहीं होगा स्मूथ, क्योंकि विश्वजीत भाई इतना कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं, तो हाँ हो सकता है गाड़ी स्मूथ नहीं होगा, क्योंकि मैं तो चलाया नहीं हूँ, बाइक का रिव्यू दिया नहीं था वो, मैं बस बाइक तो ब्लॉग था तो बाइक लेके आ रहा हूँ रिव्यू, क्योंकि मैं बाइक चलाया नहीं था तो रिव्यू कहाँ से दूंगा। जैसे सुनने मिला वैसे मैं बता दिया, सॉरी अगर आपको ख़राब लगा हुआ तो, लेकिन बाइक अगर स्मूथ नहीं है आप बोल रहे हैं तो स्मूथ नहीं भी होगा, लेकिन थैंक यू कमेंट करके बताने के लिए। उसके बाद भार्गव चावड़ा, ये कमेंट करके बोलते हैं कि मन नहीं था। सच बात है यार, मेरा मन नहीं था वीडियो बनाने का उस दिन। ये वही पल्सर बाइक वाला कमेंट है जो उस बाइक पे मैं एक्चुअली मैं लास्ट में वीडियो में बोल ही दिया था कि मेरा आज मन नहीं था वीडियो बनाने का, और आप लिख के कमेंट करके बता दिए कि मन नहीं था मेरा। तो बेस्ट कमेंट मुझे ये लगा कि मेरा मन नहीं था, आपको पता चल गया कि मेरा मन नहीं था और आप कमेंट करके बता दिए। थैंक यू कि आप मेरे वीडियो को इतना ध्यान से देख रहे हैं कि आपको पता चल जा रहा है कि मेरा मन है कि नहीं है। और बी यूनिक, थैंक यू फॉर इतना लव देने के लिए। आप हर वीडियो के हर कमेंट में ये दिल वाला इमोजी का बारिश कर देते हैं हमेशा, लव योर ब्लॉग्स, बहुत अच्छा लगता है, थैंक यू। वैसे आप लोग जानते हैं कि मुझे एकांत में रहना बहुत पसंद है, मतलब ही दोस्त और सिर्फ नाम के रिश्तों से दूर हूँ, इसीलिए खुश हूँ। गंगादीप जुनेजा भाई बोलते हैं कि नया वीडियो बनाओ। सॉरी भाई मैं बहुत लेट से वीडियो अपलोड करता हूँ, हाँ मैं शूटिंग करता हूँ फिर 2-4 दिन मुझे एडिटिंग करने लग जाता है, क्योंकि मैं धीरे धीरे आराम आराम से करता हूँ, ये फोटो भी अपलोड करना पड़ता है ना इसीलिए, तो इसलिए लेट से आता है। कम से कम मेरे 4 या फिर 5 दिन हो जाता है तब मैं एक ब्लॉग अपलोड करता हूँ। अब कोशिश करूँगा जल्दी करने के लिए, क्योंकि टिकटॉक तो बैन हो गया है, तब टाइम ही टाइम है। किलर शुभम बोलता है गजब मेरा भाई, थैंक यू, क्योंकि ऐसे ही कमेंट से ना पावर मिलता है नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। अब शांत हो जा, काँव काँव काँव, थैंक यू किलर शुभम, क्योंकि शुभम शुभम नाम से। विपुल पांडे बोलते हैं
भाई ओजाई बोर्ड चैलेंज एक्सेप्ट करो। भाई एक बार किया तो था लेकिन मतलब कामयाब नहीं हुआ उसमें, तो कोशिश करूँगा, बहुत हिम्मत चाहिए हो करने के लिए, लेकिन कोशिश जरूर करूँगा। एक वीडियो ओजाई बोर्ड के ऊपर बनाओ। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई, तो मैं बना चुका हूँ एक या फिर शायद दो बनाई याद, लेकिन तीसरा या फिर चौथा जरूर बनाऊंगा। कमेंट ऐसे ही आता रहेगा तो जरूर बनाऊंगा। वो जय बोर्ड अभी घर में पड़ा हुआ है, चाहूँ तो सोच रहा हूँ अभी भी निकाल के बनाऊँ, लेकिन ये वीडियो को मैं सिर्फ कमेंट के ऊपर ही बनाना चाहता हूँ। तो वो जय बोर्ड शायद तक नेक्स्ट वीडियो में जरूर आएगा, सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। वैसे आप लोगों को एक बात बता दूँ, ये जो आपने देखा रोड पर खाली लग रहा है, इसका एक कारण है क्योंकि दो दिन से यहाँ पे अपना उड़ीसा में लॉकडाउन है, मतलब शटडाउन या फिर क्या बोलते हैं कि अभी दो दिन के लिए पूरा लॉकडाउन है। क्या पता किस लिए, क्योंकि सब तो खोलने का तैयारी हो रहा है, लेकिन उड़ीसा से अगर क्या पता किस लिए बंद किए हैं दो दिन के लिए, शनिवार और रविवार, तो क्या पता क्या कारण है वो मुझे ठीक से पता नहीं है। कमेंट करके ज़रूर बता देंगे क्योंकि मैं जान नहीं रहा हूँ, और जान नहीं रहा हूँ तो बोलना भी नहीं चाहिए इस बारे में, क्योंकि जो चीज़ के बारे में आपको पता नहीं है, नॉलेज नहीं है, उस चीज़ के बारे में डिस्कस ना करें तो अच्छा है। कमेंट करके मुझे बता देंगे कि किस लिए है लॉकडाउन। We'll stay up till morning and head out exploring, make up for months that we've missed. 'Cause the cold air is calling and my head's recalling the moment that I was convinced. We'll stay up till morning and head out exploring. जल्दी से वीडियो खत्म होता क्योंकि मच्छर बहुत काट रहा है यहाँ पे, ऑलरेडी मुझे दो मच्छर काट चुका है और यहाँ काट चुका है, मैं कब दिखाता हूँ कितना कहाँ कहाँ काटा है। तो ये देखिए क्या हाल कर दिया है मच्छर मेरा हाथ का, दो तो ऑलरेडी काट चुका है और यहाँ पाँव में और यहाँ। तो वीडियो जल्दी जल्दी खत्म करता हूँ, सीधा घर के अंदर चलता हूँ। खत्म क्या करता हूँ, सीधा चलता ही हूँ घर के अंदर, क्योंकि क्या मतलब बाहर में एक तो मच्छर काट रहा है, ऊपर से ये डिस्टर्ब कर रहा है, नोइस कर रहे हैं ये लोग। लॉकडाउन जैसे हुआ है तब से काम 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 होते ही अच्छा लगता है, लेकिन वीडियो बनाने में थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है। घर के अंदर घुसता हूँ। तो गाइस कमेंट सॉरी बहुत सारे थे, लेकिन वीडियो में तो पॉसिबल ही सब कमेंट्स बताना, इसीलिए वीडियो वहीं पर खत्म करता हूँ, क्योंकि कमेंट वाला वीडियो है, ज़्यादा लंबा खींचूंगा तो बोरिंग लगेगा, इसीलिए ज़्यादा लंबा नहीं खींचता हूँ, वीडियो को खत्म करता हूँ। शॉर्ट एंड सिंपल व्लॉग और ओनली फॉर कमेंट्स, डू कमेंट्स ऑन कमेंट बॉक्स, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेट सब्सक्राइब, होम स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय। जब भी बारिश होता है या फिर बारिश रुकता है तो ऐसे जंगल वाले एरिया में निकलना नहीं चाहिए, सांप निकलने का बहुत डर है। और कल रात में सांप देखा भी हूँ। जब किसी यूट्यूबर को कोई टॉपिक नहीं मिलता ना वीडियो बनाने का, जैसे कोई कंटेंट नहीं मिलता है, तो वो कमेंट वाला वीडियो बनाता है।